दिनांक 6 मार्च 24 बुधवार आदर्श नवीन नगर स्थित नवाकुर संस्था कंचन वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी शाजापुर के प्रशिक्षण केंद्र पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड और विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के आगे दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम अध्यक्षता श्री राजेंद्र देवड़ा, अध्यक्षता जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाजापुर द्वारा की गई। विशेष अतिथि डॉक्टर स्वाति चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शाजापुर, श्रीमती हर्षिता जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शाजापुर, फारूक अहमद सिद्दीकी, जिला विधिक सहायता अधिकारी शाजापुर, धीरेन्द्र कोरी, डीडीएम नाबार्ड व सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती जया मौजूद रहे। प्रशिक्षण के दौरान डीडीएम कोरी द्वारा महिलाओं को नाबार्ड की योजनाओं के बारे में बताया और उन्हें सशक्त बनने पर जोर दिया। डॉक्टर स्वाति चौहान द्वारा महिलाओं को सेवा, सम्मान, साहस और समर्पण के भाव से जीने और दृढ़ संकल्प लेकर भविष्य में कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित किया। श्री देवदास सर द्वारा अपने अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए महिलाओं को बधाई दी और कहा कि चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या आर्थिक स्तर क्षेत्र हो, दोनों में उन्हें आगे आना होगा, तभी वे अपने घर और बाहर दोनों जगह अपनी पहचान बना पाएंगी। नाबार्ड द्वारा सभी महिलाओं को महिला दिवस पर उपहार भेंट किए गए। श्रीमती गायत्री वर्मा द्वारा संचालन किया गया कार्यक्रम में पधारे अतिथियों व महिलाओं का आभार प्रकट नवीन वर्मा, कंचन वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी के संचालक द्वारा माना व साथ ही अतिथियों को संस्था की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इस अवसर पर विशेष रूप से श्रीमती कविता विश्वकर्मा, पार्षद वार्ड 26, श्रीमती कला भाटी, श्रीमती रमावती कुशवाह, श्रीमती ज्योति नागर, श्रीमती स्मिता सोलंकी, यशोदा यशस्वी मालवीय, योगेश मालवीय, श्रीमती सुनीता वर्मा, यास्मीन मिर्जा आदि मौजूद रहे। शाजापुर से ईश्वर सिंह बिलाला की खास रिपोर्ट। अभी टीचर खेल देखा है, किसी कितना भी बड़ा स्कूल हो, कितना भी छोटा स्कूल हो, फर्स्ट सेकंड क्लास तक हमेशा एक टीचर, उसकी एक मैडम ही रहती है। तो स्टार्टिंग में किसी भी बच्चे की, किसी भी इंसान की नीव कौन करता है, तो उसके माता पिता, उसमें भी माँ का सहयोग ज्यादा होता है और स्कूल में उसकी टीचर रहती है। इसके साथ मैं यही बोलूंगी, अब सबको हमें अच्छी शिक्षा देनी है, सारी लड़कियों को आगे बढ़ाना है और इससे और ज्यादा हमारी महिला मजबूत हो और बहुत अच्छी हो। हर्षिता जैन मैडम, नाबार्ड से उपस्थित होरी साहब, गिलो साहब, यहाँ पर उपस्थित समस्त नारी शक्ति, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और मैडम ने जो है अच्छी कविता भी सुनाई है, बहुत सारा हमारे जज मैडम ने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं। देखिए, शिक्षा एक ऐसा मैं मंत्र मानता हूँ, मेरा ये मैं सदैव ही मानता हूँ। निश्चित रूप से नारी सदैव ही पथ प्रदर्शक है, अब वो शिक्षित है या नहीं है, किंतु वो उसका घर जरूर चलाती है।